जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर होममेड मोज़रेला चीज़, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ब्रेड की स्टफिंग कर रहे हैं, या पिज्ज़ा पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड में भी, या फिर आप इसे फ्राइड स्टिक्स की तरह भी बना करके खा सकते हैं। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसका प्लीज़ ख्याल रखिएगा, और मेरी रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookwithfaiza.net पर। उस पर आपको तमाम चीज़ें जो है डिटेल में दी जाएंगी। सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है चाहिए दूध, दैट्स होल मिल्क आपको चाहिए। स्किम मिल्क प्लीज के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसके जो है रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा। उसके बाद जो आपको ख़ास चीज़ चाहिए, इसे कहा जाता है रिनेट, ये वेजिटेरियन में इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी आपको मेरी वेबसाइट पर, जो मेरा शॉप स्टोर है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ हो गई। पानी जो आप इस्तेमाल करेंगे मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए, नलके का पानी सादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपकी चीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपको मिनरल वाटर की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी, नमक बीच में जाएगा। और जो बर्तन आपको इस्तेमाल करना है उसका भी आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको चाहिए होगा एक थर्मामीटर, जो आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगी आगे, छुरी हो या जो भी आप चमचा इस्तेमाल करेंगे वो होना चाहिए एलुमिनियम का नहीं होना चाहिए, प्लीज़ का ख्याल रखिएगा, स्टेनलेस स्टील का होगा। प्लास्टिक का बोल इस्तेमाल कर लें, छानना जो होता है, या फिर आप स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे। एक अदद आपको माइक्रोवेव प्रूफ बोल शीशे का चाहिए होगा, और जिस हांडी में हम चीज़ की प्रिपरेशन करें यानी कि तैयारी करेंगे वो भी आपको चाहिए स्टेनलेस स्टील में। एल्युमिनियम मत इस्तेमाल कीजिएगा, चीज़ नहीं बनेगी आपकी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहला काम जो है, दूध में ऑलरेडी चढ़ा चुकी हुई हूँ, आपने क्या करना है, पानी के अंदर आप डालेंगे सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी, और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं आप देख रहे हैं ये चीनी की तरह होते हैं, तो ये आपने कम्प्लीटली इसको डिसॉल्व करना है। आप देख लें कि जो सिट्रिक एसिड है वो तमाम को अच्छी तरह बीच में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बीच में कोई भी उसका दाना ना रह जाए। ये मैं अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ। दूध आपको मैंने बताया था कि मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है, ये फिलहाल अभी बिल्कुल नहीं पका, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर आपने अब करना ये है कि दूध के अंदर आप टार्टरी को ऐड करेंगे यूँ, और बीच में आप चमचा हिलाएंगे, और बिल्कुल हल्का हल्का आपने चमचा हिलाना है, और फ्लेम यहाँ पर आप रखेंगे मीडियम टू हाई पर, और आपने इसे लेकर के आना है 90 फ़ारेनहाइट पर। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, जैसे ये 90 पर आएगा हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो तब आपको दिखाऊंगी। चमचा आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं और मीडियम टू हाई पर इसको हल्का सा 90 डिग्री पर लेकर कराएं। तो ये 90 डिग्री पर आ चुका हुआ है। यहाँ पर ला करके आपने जो रिनेट है, क्योंकि हम लिक्विड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे मैंने पानी में मिक्स कर लिया हुआ है, और इसे यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, हल्का हल्का चमचा हिलाएंगे, और सिर्फ आपने काउंट करना है 10 सेकेंड्स के लिए। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद आप इसको कवर करेंगे। चूल्हा नीचे मैंने कर दिया है बिल्कुल बंद, और इसे कवर कर आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट्स के बाद आपने लेड हटाना है, उससे पहले आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। मैं आपको एक स्पैचुला के साथ दिखा रही हूँ साइड पर, कि ये देख लेंगे माशाल्लाह कितना परफेक्टली ये जम चुका हुआ है, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका काम हो गया यहाँ पर एक मेन। उसके बाद यहाँ पर अब आप यूज़ करेंगे दोबारा एक स्टेनलेस स्टील की नाइफ, और आपने इसे काटना कुछ यूँ है, ऑल द वे नीचे तक जाएंगे, बहुत हल्के हाथों से आपने इसको यूँ काट लेना है। पहले आप एक स्ट्रेट तरीके से काटेंगे इसे, और उसके बाद आप जो है दूसरी वाली साइड से काटेंगे। तो उसको पहले मैं एक तरफ से काट रही हूँ, यहीं से अब इसको दोबारा इस तरीके से काटेंगे, और पहले से काट लें। देखिए, तो आपने इसके अंदर चमचा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हिलाना है, साइड से आप हैंडल को उठाएंगे, और आपने इसको ये देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परफेक्टली मोज़रेला जो है अपनी तैयारी की तरफ है। तो इस तरीके से ही आपने इसे कुकिंग के दरमियान में यूँ हिलाना है, बीच में हम ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे, वरना जो आप ये क्यूब्स देख रहे हैं ये टूट जाएंगे। अब आप यहाँ पर लाकर के चूल्हे को दोबारा ऑन करेंगे, मीडियम पर रखेंगे आप, और फिर इसको आपने 105 फ़ारेनहाइट पर लेकर के जाना है। एक थर्मामीटर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायल के साथ में है, और मैं आपको दिखाऊंगी जिस वक्त आप इसे वार्म कर रहे होंगे, आपने इसे बीच में नहीं छोड़ना। मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाती हूँ, बीच बीच में मैं इसको यूं ही हिलाती चली गई हूँ, और बीच में बिल्कुल मैंने कोई भी जो है चमचा नहीं चलाया है। उसके बाद यहाँ पर आप ला करके, चाहे आप
ये वाला थर्मामीटर इस्तेमाल कर लें, दूसरा परफेक्टली फाइन, इसमें आप यूं कर कर चेक करते हैं तो ये 105 के पास आ चुका हुआ है। ये इसे रिमूव करेंगे, चूल्हा नीचे मैंने दोबारा बंद कर दिया है, इसे आप कवर कर कर यहाँ पर दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे बगैर इसको छू। पर इसे 10 मिनट रेस्ट मैंने करने दिया था। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए यहाँ पर ग्लव्स ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसको हाथों के साथ हैंडल करना है, इसको नो बी क्वाइट वार्म, ये थोड़ा सा गर्म सा होगा। अब आपको यहाँ पर एक छाननी की ज़रूरत है, नीचे आप एक बोल रखेंगे, इसी स्टेनलेस स्टील के चमचे के साथ में आप जितनी भी कर्ड है ये देख लें माशाल्लाह से, इसे आप निकालेंगे और इसके अंदर पहले इकट्ठे कर लेंगे कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बीच में से रिमूव हो रहा है, लेकिन ये कि आपको इसका ज़रा ख्याल रखना है। ये देख लें मैं अपने हाथों के साथ में इसको थोड़ा सा बोल को हिला रही हूँ, और दूसरी तरफ से जो है चीज़ का जितना पानी आप यहाँ से इस वक्त रिमूव कर सकते हैं ये आप कर लें। जितना भी पानी था जितना फ़िलहाल हम निकाल सकते थे वो हम निकाल चुके, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें से जो है काफ़ी हद तक पानी निकल रहा है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि अभी हमने इसकी और थोड़ी सी खिंचाई के वक्त जो है पानी इसका ये रिमूव होगा। अब इसे आप एक जो बोल मैंने आपको बताया था कि माइक्रोवेव हीट प्रूफ बोल होना चाहिए, उसमें आप इसको यूं डालेंगे और माइक्रोवेव पर आपने इसको जो है 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह हीट अप कर देख लें कि माइक्रोवेव में आपने इसको कर लेना। ऑब्वियसली गर्म इसलिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत होगी। अगर आपका माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है यानी कि उसका वोल्टेज काफ़ी हाई है तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा ज़्यादा इसको हाई पर मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है ये 900 वाट पर है तो मैंने इसको 1 मिनट पर किया है। यहाँ पर ये काफ़ी गर्म है तो ये आप देख रहे हैं कि कितना पानी ये अभी भी छोड़ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको यूँ साइड पर दबाते चले जाएँ और जो एक्स्ट्रा पानी जो है ये इसका निकल रहा है इसको वे इसको रिमूव कर। तो इसका टेक्सचर आपको कुछ दिखेगा जिस तरह कॉटेज चीज़ होती है, लेकिन दैट्स परफेक्टली फाइन। अभी हमने इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा और करेंगे और ये देख लें, अब आपने इसे जो है हाथों से यूँ ज़रूर मिक्स कीजिएगा ताकि जो इक्वली उसमें हीट है मोज़ेल चीज़ में जानी चाहिए। इसको दोबारा 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में दोबारा किया है, ये इसका दोबारा पानी निकल रहा है, अभी काफ़ी यहाँ पर गर्म होता चला जा रहा है, तो हाथों का प्लीज़ ख्याल रखिएगा और इसमें से जितना पानी आप निकाल सकते हैं आप निकालेंगे, लेकिन साथ साथ आपने इसको जो है पहले हल्का सा यूँ मिक्स करना है ताकि इसकी जो तमाम की हीट है इक्वली बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जितना भी पानी है अब मैं इसको इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, थोड़े से हाथ से आपने इसको जो है दबाना, अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह यहाँ पर ऑलरेडी इसकी जो सूरत है परफेक्ट होती जा रही है। आपने इसको इक्वली थोड़ा खींचेंगे और वापस लेकर आएंगे, अगर आप देखें क्लियरली तो इट लुक्स लाइक मोज़रेला ऑलरेडी। और यहाँ पर लाकर के अब आप थोड़ा सा इस पर डालेंगे नमक, क्योंकि हम इसकी यहाँ पे खिंचाई करेंगे, तो इसको हाथों से आप मिक्स करें और ये देखें इस तरीके से आपने इसको जो है ये देखिए इसकी स्ट्रेचिनेस देख रहे हैं, तो जब तक कि ये बिल्कुल थोड़ा सा स्मूथ हो जाए शाइनी हो जाए आप इसको हल्का सा यूँ स्ट्रेच करते जाएँ। यहाँ पर आप देख लें कि आपकी मोज़रेला चीज़ जो है तैयार हो गई हुई है, सिर्फ आपने इसकी जो है खिंचाई इसी तरीके से करनी होती है कि ऊपर से नीचे आप खींचते हैं, ऊपर से नीचे, सिर्फ इसकी आप देख रहे हैं जो ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका टॉप शाइनी हो गया है, इट्स परफेक्टली रेडी। तो इसको होममेड मोज़रेला चीज़, इसे आप अगर चाहें तो फिलहाल वार्म सैलड के तौर पर खा सकते हैं टमाटोज के साथ में, लेटस वगैरह के साथ। इसे स्टोर करने का तरीका कुछ यूँ, अगर आप अभी फ्रेश बना रहे हैं और आपने स्ट्रेट अवे यूज़ करना है तो आप इसे जिप लॉक बैग में डाल करके 1 से 2 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने इसको थोड़ी सी लंबी लेंथ देनी है 1-2 हफ्ते का आपको टाइम चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, तो फिर आप 1 कप पानी लेंगे उसमें नमक ऐड करके उसे आप जिप लॉक बैग में डालें और बीच में अपनी चीज़ डाल करके स्टोर कर सकते हैं विदाउट एन इशू, ये फ्रीज भी हो जाती है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज quickfizer.net। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।